नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही खास खबर निकल कर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में एक मिला है गूगल बॉय। गूगल बॉय से आप समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार से गूगल पर कुछ भी सर्च करो उसका आंसर हाथों हाथ मिल जाता है, सेम उसी प्रकार नेपाल में मिले इस लड़के ने तो अजीब ही कर दिया। यानी कि एक ह्यूमन होकर जो भी आप सवाल करो उसका जवाब एकदम एग्जैक्ट और हाथों हाथ मिलता है। तो क्या नाम है इस लड़के का और कितने साल का है ये और कहाँ का जन्मा हुआ है और इतना इसका आईक्यू लेवल कैसे हुआ, उस पूरी चीज की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना तो होगा कि भारत में भी एक पहले गूगल बॉय मिला था जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य को कोई भी सवाल पूछो वो फटाक से उत्तर दे देता था और उसकी उम्र भी शायद लगभग 10-11 साल की थी। और यहाँ पे जो मिला है वो तो उससे भी छोटा है, यानी कि नेपाल का गूगल बॉय तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। नेपाल में जब गूगल बॉय मिला उसका नाम बताया गया आदित्य। आदित्य जब 3 साल का था तब उसकी सामान्य बुद्धि रुक गई थी, यानी कि जो नॉर्मल यहाँ पे इंटेलिजेंस होती है वो रुक गई थी। उसके एक शारीरिक स्थिति का विकास यहाँ पे बंद हो गया था, उसका भाषण भी धीमा हो गया था और वह बात भी नहीं कर सकते थे, यानी कि 3 साल की एज तक वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रकृति का चमत्कार कह सकते हैं या वैज्ञानिक आश्चर्य एक रहस्य भी कह सकते हैं, यानी कि अनसुना या अनचूहा रहस्य कह सकते हैं। नेपाल के गूगल लड़के ने अभी उनके तार्किकता पर सवाल उठाना खड़ा कर दिया है, यानी कि लोगों में अंदर इतनी बुद्धि बड़े होने के बाद भी नहीं होती, उससे ज्यादा और उससे कहीं ज्यादा तो उस लड़के में अभी है। चलिए तो देख लेते हैं कि नेपाली गूगल लड़का आखिर है कौन। 23 जुलाई 2010 को जन्मा ये लड़का गूगल बॉय ऑफ नेपाल यानी कि आदित्य दाहाल के नाम से जाना जाता है। चाहाबाही शहर में ये राजराज दहल और ऐश्वर्या गुआरानी के बेटे हैं। छोटे बालक के लगभग हर चीज पर आने वाले सवाल के सटीक जवाब ने आश्चर्यजनक ज्ञान और चिंतन करना शुरू कर दिया लोगों के दिमाग ने। यहाँ पे यहाँ तक चिंतन करना शुरू कर दिया कि अचानक से इस बच्चे में इतनी ज़्यादा बुद्धि लब्धि कहाँ से हुई, जिसे जाने के लिए 3 साल के बच्चे के लिए असंभव है। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब फटाक से देना किसी 3 साल के बच्चे के बस की बात तो नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने जब पूछे क्वेश्चन तो सभी के सभी आश्चर्यजनित रह गए, चाहे वो पॉलिटिक्स का सवाल हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सवाल हो और चाहे वो साइंस का सवाल हो, यानी कि कोई भी प्रकार का सवाल हो उसके लिए एकदम नॉर्मल है। अगर आपको कहा जाए कि आपको 3 दिन के अंदर मात्र नेपाल का इतिहास बताना है और वो भी पूरी तरह से, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जबकि आपको तो सब कुछ आता है उसके बावजूद भी हम नहीं कर सकते इतना कुछ, लेकिन इस बच्चे ने इतना कुछ कैसे कर लिया, जबकि उस बच्चे ने अभी तक कोई पढ़ाई भी नहीं करी थी, जबकि उस बच्चे को लिखना तक नहीं आता था, यानी कि लिखना तक नहीं सीखा, वो बच्चा इतना कुछ कैसे जान लिया। उन्होंने कभी भी एक शब्द तक नहीं देखा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हर उत्तर को उन्होंने जो भी पूछा गया सटीक तरीके से दिया, निम्नलिखित भाषाओं में भी दिया। नेपाली भाषा वो जानते हैं, अंग्रेजी वो जानते हैं, कोरियाई वो जानते हैं, चीन और कई और अधिक भाषाओं में प्रश्न पूछे गए, लेकिन उस बच्चे ने किसी भी भाषा में गलत उत्तर नहीं दिया। यानी कि एक बच्चा और इतनी सारी भाषाएं और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ कैसे जान लेता है, जबकि हमें तो 1, 2 या फिर मोस्टली 3 भाषाएं मुश्किल से आती हैं और वो भी इतने बड़े होने के बावजूद, जबकि स्टीक भाषा तो इतनी आती ही नहीं है। यानी कि अगर हमें स्टीक भाषा मोस्टली आती है तो 2 से अधिक शायद ही किसी बंदे को आती हो, लेकिन 1 3 साल के बच्चे को इतनी भाषाओं का आना भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। क्यों ना हो कि गूगल से भी तेज कह सकते हैं इस बच्चे को। जी हाँ दोस्तों, जो आदित्य दहल है वो किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का सही से जवाब दे सकता है और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। इसी के साथ ही जब इंटरव्यू लिया गया और आदित्य दहल की जब बुद्धि लब्धि को चेक किया गया, यानी कि आईक्यू को चेक किया गया, तो पता चला कि इसकी आईक्यू है वो बहुत ज़्यादा तेज है, यानी कि सामान्य बच्चों से तो कहीं ज़्यादा तेज है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। ये एक प्रकार से चमत्कार कह सकते हैं या फिर भगवान
की देन कह सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के आश्चर्यजनक करने वाली बात है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इतने छोटे बच्चे के पास इतना नॉलेज कैसे आया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या गूगल बॉय के पास कोई अद्वितीय शक्ति है? आप अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।